हेलो एवरीवन, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ इक्वेशंस देखे थी और कुछ उसके साथ में हमने एक एग्जांपल भी सॉल्व किया था, वैसे ही अब हमारे पास जैसे कि वापस एक बार हम फास्ट रिव्यू देख लेते हैं कि जैसे कि हमारे पास जो ओल्ड इक्वेशंस थी और जो मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर जो हमारी इक्वेशंस कन्वर्टेड इक्वेशंस होती है वो यहाँ पे हमने शो कर रखी है। उसके बाद में जैसे कि एक जनरल सा एक क्वेश्चन कभी कभी हमारे सामने आता है कि मास का जो बॉडी है, अगर कोई बॉडी है उसका जो कुछ मास होता है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है इन इक्वेशंस पे। तो अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ और बोलता हूँ कि एक मैंने एक कोई एक पंख या फैदर लिया है और एक आयरन की बॉल ली है और उनको मैंने पर्टिकुलर कुछ हाइट से ड्रॉप किया है, तो ड्रॉप करने के बाद में एक जनरल सा क्वेश्चन सामने आता है कि वो आयरन की बॉल या फिर फैदर दोनों में से पहले ग्राउंड पे कौन पहुंचेगा। तो इसी के बेस पे आज एक हम एक जनरल सा एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं कि उसमें इसका मास का क्या इफेक्ट रहता है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ये आपके सामने दिया हुआ है, एग्जांपल 2.34। इसमें आपको एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एन आयरन बॉल एंड अ फेदर आर बोथ फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। जैसे कि इसमें क्वेश्चन में क्लियर सा राइट डाउन है कि 10 मीटर की हाइट से आपको एक आयरन बॉल एक फैदर आपने ड्रॉप किया है। वॉट आर द टाइम टेकन बाय द आयरन बॉल एंड अ फैदर टू रीच द ग्राउंड एंड वॉट आर द वेलोसिटीज ऑफ द आयरन बॉल एंड फैदर वैन दे रीच एट द ग्राउंड। तो सबसे पहले जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमें जैसे कि हमने वो इक्वेशंस जो देखी थी उन इक्वेशंस में हमने देखा था कि वहाँ पे मास की टर्म हमें कहीं नहीं मिली थी। दैट मीन्स कि इससे सिंपल सा क्लियर हो जाता है कि जो भी काइनेमेटिक इक्वेशंस थी वो सारी काइनेमेटिक इक्वेशंस मास से इंडिपेंडेंट है। तो दैट मीन्स उसका मास के ऊपर मास का उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो एक सिंपल सा आपको पता है हमने एक फॉर्मूला देखा था, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने ए को जी से रिप्लेस किया तो हमारे पास फॉर्मूला मिलता है एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और जैसे कि हमें पता है कि जो हम उनको इनिशियली उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी, तो इनिशियली वेलोसिटी अगर ज़ीरो है तो यू आप इसकी इक्वेशन के अंदर यू आप जब ज़ीरो प्लेस करेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। इसमें से आपको टाइम कैलकुलेट करना है तो टी इक्वल टू रूट ऑफ 2h/g। अब इसमें आपके पास h आपको गिवन है, दैट मीन्स दैट इज 10 मीटर। हाफ 10 मीटर इसमें पुट करेंगे, g की वैल्यू आप इसमें 10 रखेंगे, दैट मीन्स आपको t की वैल्यू मिलेगी रूट टू सेकेंड, दैट मीन्स इस वैल्यू 1.414 सेकेंड। इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ आपसे पूछी गई है, वॉट आर द वेलोसिटीज ऑफ आयरन बॉल एंड फेदर वेन दे रीच दी ग्राउंड। अब इसमें सिंपल सा आपको पता है कि वेलोसिटी का थर्ड फॉर्मूला आपको क्या है बोलता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g h या 2gs। तो जब हम हाइट वर्टिकली हाइट की बात करते हैं तो हमने यहाँ पे h यूज़ किया है और इनिशियली वेलोसिटी आपको पता है कि वी यू इक्वल टू ज़ीरो है। तो आपके पास फॉर्मूला सिंपल सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा वी इक्वल टू रूट 2gh। अब इसमें आपके पास g की वैल्यू आपको पता है, h की वैल्यू आपको पता है, आप पुट करेंगे दैट मीन्स आपको v की वैल्यू मिलती है 14.14 मीटर पर सेकंड।